हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक मोमेंटम देखने को मिलाएगा, जहां पर स्टॉक में 45 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल्स पर चलें तो पीछे के एक सप्ताह में इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। एक महीने में इस स्टॉक में 12.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, परंतु 3 महीने में देखें तो 13%, 6 महीने में 24%, 1 साल में 48% और 2 साल में 10% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर 1 महीने से इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक 12% के करीब की रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहेगा। इस स्टॉक में देखें तो एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 145 रुपीज, 145 रुपीज का इस पॉइंट पर इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का देखें तो नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 56 रुपीज, 56 रुपीज का इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, जहां से इस स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 60 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 86 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 66 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 72 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।